आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बेबी तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम कहो ना तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तक तोड़कर ला सकता हूं। ऐसे कई झूठे वादे आपने आशिकों को करते हुए सुना होगा। देखिए अब चांद तारे तोड़कर लाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हाँ चांद तारों के साथ पूरी धरती को अंतरिक्ष में देखना ये ज़रूर मुमकिन होगा। अब वेकेशंस में नानी के यहाँ या किसी दूसरे शहर या देश के अलावा आप स्पेस को भी एज एन ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं वेकेशंस के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस टूरिज्म के ऊपर वर्ल्ड में काम शुरू हो गया है। इलॉन मस्क से लेकर जेफ बेजोस तक सब इस काम में जुट चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो स्पेस ट्रिप करके आ भी चुके हैं और करीबन 800 लोगों ने प्री बुकिंग भी करवा ली है। लेकिन आखिर कब से शुरू कर पाएंगे हम ये स्पेस का सफ़र? टिकट्स की प्राइस क्या होगी? क्या क्या देखने को मिल पाएगा हमें अंतरिक्ष में? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। स्पेस में जाने और लोगों को ले जाने का ये सिलसिला एक रेस से शुरू हुआ है। पिछले साल जुलाई के महीने में वर्जिन ग्रुप के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक रिचर्ड ब्रांसन और अमेज़न कंपनी के फाउंडर प्रेसिडेंट जेफ बेजोस के बीच में एक कंपटीशन सा चला, जिस कंपटीशन का एजेंडा था कि कौन पहले खुद के प्राइवेट एयरप्लेन में स्पेस में जा सकता है। पहले जेफ बेजोस 20 जुलाई को स्पेस में जाने वाले थे और ब्रांसन ने अपनी डेट काफ़ी बाद के लिए छोड़ रखी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनकी डेट प्रीपोन हो चुकी है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन में बने रहने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। उन्होंने अपनी 6 लोगों की टीम के साथ 11 जुलाई को स्पेस के लिए उड़ान भरी, जिसके साथ ही वो खुद के प्राइवेट प्लेन में स्पेस में ट्रैवल करने वाले पहले शख्स बने। लेकिन ये बस शुरुआत थी। इसके बाद अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कई लोग स्पेस में ट्रैवल करके आ भी चुके हैं, साथ ही फ्यूचर में होने वाली स्पेस ट्रिप्स के लिए लोगों ने अभी से ही अपनी टिकट्स भी बुक करवा ली है। स्पेस टूरिज्म को पूरा करने के लिए विश्व की 3 सबसे बड़ी कंपनीज और 3 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार महारथी अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले हैं वर्जिन गैलेक्टिक के सीईओ रिचर्ड ब्रांसन, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। दूसरे हैं उन्हीं के राइवल अमेज़न के फाउंडर प्रेसिडेंट जेफ बेजोस और उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन, और तीसरे शख्स हैं वो जिनकी कंपनी का नाम ही स्पेस एक्स है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क। स्पेस एक्स ने पिछले साल यानी 2021 में 4 लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराई थी। इसके साथ ही वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन के बाद स्पेस एक्स तीसरी कंपनी थी जिसने स्पेस ट्रिप कराई। वर्जिन गैलेक्टिक अब 2 ऐसे एयरक्राफ्ट भी तैयार कर रही है जिससे अंतरिक्ष के लिए सैकड़ों फ्लाइट्स लॉन्च करने की क्षमता हासिल की जा सके, जिससे कि स्पेस में लोगों को ले जाना और फिर वापस ला पाना आसान हो पाए। लोगों की एडवेंचरस झील और एक्साइटमेंट को ध्यान में रखते हुए ब्रांसन की कंपनी कोशिश कर रही है कि 2025 तक ये एयरक्राफ्ट्स तैयार हो पाए। लेकिन क्या ये स्पेस ट्रिप्स एक आम इंसान कर सकता है? और अभी तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि इस एयरक्राफ्ट का टिकट कितने का होगा और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें इतने पैसों में। आज तक .in के लिए साइंस की खबरें कवर करने वाले ऋचिक मिश्रा इसी बात पर बताते हैं। देखिए, ये बड़ा मज़ेदार इवेंट है कि पहाड़ और समंदर घूमते घूमते अचानक से आदमी अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहा है। जहाँ तक बात रही स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स जो टूरिज़्म प्रोवाइड कर रहा है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आप वहाँ जाएंगे, 1-2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, हफ्ता भर रहेंगे, जितने दिन की आपको ट्रेनिंग मिलेगी उतने दिन आपको वहाँ रुकना होगा, काम करना होगा। सिर्फ घूमने नहीं जा सकते आप, सिर्फ मज़े लेने नहीं जा सकते जैसे मनाली में जाकर पहाड़ों पर बैठ जाते हैं, उस तरह से नहीं कर सकते। तो उस टाइम कीमत बहुत ज़्यादा थी, मतलब कोई 15 करोड़ दे रहा है, कोई 20 करोड़ रुपये दे रहा है, 40-42 करोड़ रुपए तक भी लोगों ने दिए। बट वो एक तरह का उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी था और साथ ही साथ यात्रा का टिकट भी था। बट अभी जो फ्रीक्वेंसी हुई है, क्योंकि तीनों, मतलब अगर स्पेस एक्स को छोड़ दें तो ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक, इन दोनों की 4-4, 5-5 फ्लाइट्स हो चुकी हैं। स्पेस एक्स चूँकि नासा के साथ अनुबंधित है और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकर के जाता है, तो उसके और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, इसलिए उसके मिशन अभी उतने नहीं हुए स्पेस टूरिज्म के, तो उनकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो स्पेस स्टेशन लेके जाएंगे। लेकिन एवरेज जो प्राइस आ रहा है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास, $2,00,000 के आसपास वो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं।
वैसे अगर इन फ्लाइट्स की फ्यूचर थिंकिंग की बात की जाए तो वर्जिन गैलेक्टिक का प्लान है कि साल 2025 तक हर साल 400 टूरिस्ट फ्लाइट्स अंतरिक्ष में भेजने लायक तैयार की जा सके। पिछले 15 सालों से कंपनी इसी मिशन पर लगी हुई है। इन तीन कंपनीज़ के अलावा एक चाइनीज़ कंपनी CAS भी है जो एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जो कि छोटे छोटे अंतरिक्ष यानों को, रॉकेट्स को स्पेस में भेज सके। साथ ही चीन रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट बनाने की भी कोशिश कर रहा है जिससे छोटी पैसेंजर ट्रिप्स का खर्चा कम हो पाएगा और ये ट्रिप्स लोगों के लिए किफ़ायती भी बन पाएंगी। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में ये कंपनी अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट भी भेजने वाली है। लेकिन स्पेस में ट्रैवल करना जितना आसान अभी सुनने में लग रहा है उतना है नहीं गुरु, क्योंकि एक समय सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ट्रैवल किया करते थे। तो क्या जितनी तैयारियां और ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स को लेनी पड़ती है उतनी ही आम इंसानों को भी लेनी होगी? देखिए, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग जो होती है उसका कुछ हिस्सा जो है इन लोगों को सिखाया जाता है। जहां तक बात रही स्पेस स्टेशन पर जाने वाले लोगों की, जैसे रशियन क्रू वहाँ पर शूटिंग करने गया था, मिडिल ईस्ट के देश से कोई एक टूरिस्ट था जिसको स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में बिठा करके भेजा गया था स्पेस स्टेशन, इनकी प्रॉपर 3-4 महीने की एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग हुई थी। पानी के अंदर जो वजन भार महसूस होता है ना, उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि आप उस भार के साथ सामान ले करके घूम सहें, क्योंकि स्पेस स्टेशन में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी तो है नहीं, आप जीरो ग्रेविटी में अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं, आपको सोना भी जीरो ग्रेविटी में है, सारे काम जीरो ग्रेविटी में करने, तो उसका असर जो है ना मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा होता है। हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, तो उनको मजबूत रखने के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है प्लस मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्पेस एक्स के साथ आपको टूरिज्म पे जाना है तो आपको वो एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात रही वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन की, तो ये दोनों अभी सिर्फ कार्मेन लाइन तक लेके जा रहे हैं। कार्मेन लाइन मतलब धरती की सतह से कुछ 100-125 किलोमीटर की हाइट है, इसको अंतरिक्ष का दरवाजा कह सकते हैं। ये अंतरिक्ष के दरवाजे तक लेके जाते हैं, इसके लिए बहुत मामूली सी ट्रेनिंग लगती है ताकि आप जिस कैप्सूल में बैठे हैं उसमें आप कोई उल्टी सीधी चीज़ दबाएं नहीं, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करें, और जैसे ही आप कार्मेन लाइन पे पहुंचते हैं मतलब धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म और आप उस कैप्सूल में जीरो ग्रेविटी फील करते हैं, तो वहां पे आपको धरती और अंतरिक्ष का मेल दिखाई पड़ता है। एक जैसे आप समंदर के किनारे खड़े हो, सनसेट हो रहा हो, तो होराइजन जो होता है वैसा ही नज़ारा वहां भी ऊपर दिखाई पड़ता है, बट उसमें आपको धरती का करीब 80% हिस्सा, 70-80% हिस्सा, आपको एक पूरा ग्लोब दिखता है जो आपके टेबल पे अक्सर पहले बड़े अधिकारियों के कमरे में टेबल पे एक ग्लोब रखा होता था या प्रोफेसर्स के कमरे में, तो वैसा ग्लोब आपको ऊपर से दिखाई पड़ेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि कितनी देर आप, अगर 3-4 मिनट, जो मुझे याद है वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन की जो ट्रिप था वो कुल 11 मिनट के आसपास का था, जिसमें से 4 मिनट वो जीरो ग्रेविटी फील करते हैं कार्मेन लाइन के ऊपर। लेकिन एक बात तो तय है कि 100 किलोमीटर्स के ऊपर जाने के बाद आप जीरो ग्रेविटी फील करेंगे, पैसा वेस्ट नहीं लगता। अगर 2 करोड़ रुपए आप दे रहे हो मतलब ये जिंदगी भर के लिए यादगार हो जाता है और आगे फिर कहानियां सुनाने के लिए तो रहती हैं। क्या से क्या हो गया, बिल्कुल यही हाल है जब इतना एडवांसमेंट देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी में। अगर बात करें 12 अप्रैल 1961 की, तो सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंसान बने थे। उसके करीब अब 60 साल बाद आज इंसान स्पेस ट्रिप्स और टूरिज्म को पॉसिबल कर पा रहा है। खैर, मैं तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन स्पेस ट्रिप्स का प्राइस दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट जितना सरल और आसान हो पाए। उम्मीद है आपको स्पेस टूरिज्म के बारे में ज़रूरी जानकारी जो मिली है वो आपके काम आएगी। अगर कोई विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं या फिर कोई शो से रिलेटेड सुझाव या शिकायत हो तो हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। मेरा नाम है आर्यमन गौतम, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।